बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान पुजारी रहता था। उसको वहां के सब लोग जानते थे और दूर दूर से गांव के लोग उनको अपने घर पूजा के लिए आमंत्रित करते थे। वो एक अच्छे पुजारी थे, पर वो थोड़े घमंडी थे। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर क्या इस गांव में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो मुझसे अधिक बुद्धिमान और होशियार हो? हाँ? मुझे तो नहीं लगता। एक दिन पुजारी को नदी पार करके दूसरे गांव जाना था। उनको बहुत सारे लोगों के यहाँ पूजा करनी थी। जैसे ही नाव आगे बढ़ने लगी, उसने अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मेरे प्यारे गांव वालों, तुम लोग भाग्यवान हो कि तुम्हें मेरे साथ सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुनो नाव वाले। पुजारी ने नाविक से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कितने पुराण होते हैं? नहीं महाराज। ओ, दुख की बात है। ये तो बताओ कि वेदों में कितने अध्याय होते हैं? नहीं महाराज। ओ, फिर तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। मुझे तो ये सभी के सभी जुबानी याद हैं। कोई भी ज्ञान मुझसे अछूता नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माँ सरस्वती ने इस काम के लिए सिर्फ मुझे चुना है। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो नाविक, कि मेरी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तुम्हें गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज। पुजारी ने नाविक को काफी देर तक परेशान किया। कुछ समय बाद तेज हवाएं चलने लगी, घने बादल छा गए, नाव तेजी से डगमगाने लगी। नाव को बचाने की कई कोशिशों के बाद नाविक चिल्लाने लगा, सब लोग नाव से कूद जाओ, तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैं नाव को दूसरी ओर नहीं ले जा सकता हूँ। किनारा अधिक दूर नहीं है, हम सब वहाँ तक तैर सकते हैं। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें तैरना नहीं आता जो मुझ जैसे साधारण आदमी को आता है? ओ कृपा करके मेरी मदद करो। नहीं कर सकता, हम सबको अपनी मदद स्वयं करनी है। मैं तुम्हारे लिए तैर नहीं सकता, क्या आपके वेदों में इसके लिए कोई जवाब नहीं है? पुजारी डर से कांपने लगा। अगर आप तैर नहीं सकते तो क्यों है बहती नदी के बीचों बीच? तो आपकी जिंदगी एकदम बेकार है। ये कहते हुए सभी लोग नाव से कूद पड़े और धीरे धीरे किनारे पहुंच गए, और केवल वो अभिमानी पुजारी पानी में छटपटाता रह गया। वो अपनी झूठी शान में मारा गया। शिक्षा। हर इंसान में गुण अवश्य होता है।